नमस्कार। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोसीजर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स। पिछले दो वीडियो में हमने जान लिया कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, और दूसरा जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनके क्या ड्यूटीज हैं। जब वो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं उन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट करेंगे, उन प्रोसीजर्स का डिटेल हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग प्रोसीजर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स। ड्रग इंस्पेक्टर्स के लिए जितनी प्रोसीजर्स प्रेस्क्राइब की गई हैं उन प्रोसीजर्स को हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, थ्री ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द टेकिंग ऑफ सैंपल, दूसरा हो गया एंट्री एंड सर्च, और तीसरा हो गया दैट इज द सीजर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स और ड्रग्स। क्या क्या हो गया? टेकिंग ऑफ सैंपल, एंट्री एंड सर्च, एंड सीजर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स और ड्रग सैंपल्स। ये तीन ग्रुप्स हो गए। इन तीनों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज द टेकिंग ऑफ सैंपल। हम लोगों ने ड्यूटीज में क्या स्टडी किया था कि जो ड्रग इंस्पेक्टर है किसी भी प्रेमाइसिस में जो लाइसेंस है फॉर सेलिंग ऑफ द ड्रग, और किसी प्रेमाइसिस में जिसके पास लाइसेंस है टू मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग, वहां से वो सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। जब वो सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो उनके लिए कि क्या प्रोसीजर उसको उससे कलेक्शन में अडॉप्ट करनी है, उन्हीं प्रोसीजर्स के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, जब ड्रग इंस्पेक्टर किसी भी प्रेमाइसिस से, वो सेल के लिए हो या मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, जब वो सैंपल को कलेक्ट कर लेंगे करेंगे तो पर्सन को, लाइसेंसी को इन्फॉर्म करेंगे कि वो इस ड्रग का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन देंगे दैट विल बी इन राइटिंग। इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो जो भी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो पे करेंगे। वो जो प्राइस वो पे कर रहे हैं इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, मींस वो कैश भी दे सकते हैं या वो क्रेडिट पर भी उस सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। यदि सपोज करें कि जो लाइसेंसी है, जो पर्सन है, वो प्राइस लेने से रिफ्यूज कर दिया कि हमें प्राइस नहीं चाहिए, वो प्राइस लेने प्राइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में ड्रग इंस्पेक्टर उन्हें प्रेस्क्राइब फॉर्म में एक रिसिप्ट देंगे कि मैंने आपके यहां से, आपके शॉप से या आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ये सैंपल कलेक्ट किया, उसकी इतनी क्वांटिटी है और इतनी कॉस्ट है, ये बैच नंबर है, और उस ड्रग का जो पूरी डिटेल है वो उस प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में लिखेंगे, और लिखने के बाद वो प्रेस्क्राइब जो फॉर्मेट है वो फॉर्म में पर्सन को हैंडओवर कर देंगे। उसके बाद वो जो सैंपल उन्होंने कलेक्ट किया उन सभी सैंपल्स को वो फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फोर इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करेंगे। ये जो फोर पार्ट्स में डिवाइड करें, सपोज करें कि वो सेलर से ड्रग को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे जो सैंपल वो कलेक्ट करेंगे उस सैंपल को फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट वो अपने पास रखेंगे, एक पार्ट वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेज देंगे, एक पार्ट वो मैन्युफैक्चरर, जिस पर्सन ने उस ड्रग को मैन्युफैक्चर किया है उनके पास भेजेंगे, और एक पार्ट वो सेलर को देंगे जिससे उन्होंने उस सैंपल को कलेक्ट किया। इस तरह से वो पूरे सैंपल को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सपोज करें कि जो ड्रग का अमाउंट है, जो सैंपल वो कलेक्ट कर रहे हैं, उस ड्रग की जो कंटेनर है, वो कंटेनर की वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम बहुत ही कम है, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम है, उस कंडीशन में वो फोर सैंपल कलेक्ट करेंगे। यदि वो लार्ज वॉल्यूम में है तब तो एक ही सैंपल को लेंगे और उसको फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, लेकिन यदि वो सैंपल का अमाउंट बहुत ही कम है, उसकी जो कंटेनर की वॉल्यूम है वॉल्यूम बहुत कम है, उस कंडीशन में वो फोर सैंपल कलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो भी सैंपल उन्होंने कलेक्ट किया उस सैंपल को वो सील करेंगे, उस सैंपल को पैक करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइसेंसी, इन प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन, और उसके प्रेजेंस में वो सैंपल को सील करेंगे, और सील करने के बाद उस पर्सन को भी अलाउ करेंगे कि वो पर्सन भी अपना एक सील उस कंटेनर के उस सैंपल के ऊपर डाल देगा। वो जो चारों सैंपल है, चारों सैंपल कलेक्ट हो गया, कलेक्ट होने के बाद उस वो अपना आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यदि सपोज करें कि वो सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, तो उस कंडीशन में वो सिर्फ तीन सैंपल ही कलेक्ट करेंगे, एक सैंपल वो अपने पास रखेंगे, एक सैंपल वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को देंगे, और एक सैंपल वो मैन्युफैक्चरर को देंगे, और वहां पर भी यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि उस सैंपल के ऊपर सील करेंगे, और मैन्युफैक्चरर को भी अलाउ करेंगे कि वो अपना सील उस कंटेनर के ऊपर या उस सैंपल के ऊपर लगाए। उसके बाद जब गवर्नमेंट एनालिस्ट से रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद जैसा रिपोर्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग ड्रग इंस्पेक्टर अपना एक्शन लेंगे। इस तरह से हम लोगों ने जान लिया कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर्स किस तरह से सैंपल लेते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत आसान है ये, कि ड्रग इंस्पेक्टर जब भी सैंपल लेंगे तो उसका पर्पस बताएंगे, पर्सन को किस पर्पस
जो सैंपल लिया जा रहा है और जो पर्पस जो बताएंगे दैट शुड बी इन राइटिंग। आफ्टर दैट ही विल पे द प्राइस, फेयर प्राइस, जो ड्रग का जो कॉस्ट है उस कॉस्ट का फेयर जो प्राइस होगा वो प्राइस पे करेंगे। वो प्राइस जो पे करेंगे इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश और इट मे बी इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट। उसके यदि पर्सन के द्वारा प्राइस लेने से रिफ्यूज कर दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में वो एक रिसिप्ट देंगे, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रिसिप्ट देंगे कि आपके पास से ये ड्रग कलेक्ट किया गया, इतनी क्वांटिटी कलेक्ट की गई है, ये बैच नंबर है। मींस उस ड्रग का जो पूरी डिटेल होगी वो डिटेल उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। अब वो उस जो सैंपल उन्होंने कलेक्ट किया उस सैंपल को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फोर पार्ट डिवाइड करने किसके लिए, तो एक पार्ट किसके लिए होगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए होगा, दूसरा पार्ट मैन्युफैक्चरर के लिए होगा जिसके द्वारा वो सैंपल मैन्युफैक्चर किया गया है, तीसरा पार्ट वो सेलर के लिए होगा मीन्स जो सेल कर रहा है जो लाइसेंसी है उसके लिए होगा, और चौथा पार्ट जो है गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अपने पास से रख लेंगे। यदि उस सैंपल का अमाउंट बहुत ही कम है तो उस कंडीशन में वो सैंपल को डिवाइड नहीं करेंगे, वो फोर सैंपल ही कलेक्ट कर लेंगे और इन सैंपल्स के ऊपर अपना वो सील लगाएंगे और उस पर्सन को भी अलाउ करेंगे कि आप अपना सील लगा सकते हैं। सील लगाने के बाद जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होगा उसको वो सैंपल भेजेंगे बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, या रजिस्टर्ड पोस्ट भेजेंगे या वो ड्रग इंस्पेक्टर पर्सनली गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास डिलीवर करेंगे कि उसका रिपोर्ट गवर्नमेंट एनालिस्ट के द्वारा दी जाए। और जब गवर्नमेंट एनालिस्ट का रिपोर्ट उनके पास आ जाएंगे उसके बाद वो एज पर द रिपोर्ट अपना आगे का एक्शन डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या एक्शन करनी है। ये हो गया हमारा टेकिंग ऑफ द सैंपल। जो दूसरा पार्ट है दैट इज द एंट्री एंड सर्च, कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको पावर है, उनकी ड्यूटी भी है कि किसी भी प्लेस में, किसी भी व्हीकल में, किसी भी पर्सन में या किसी भी वेसल्स का वो एंट्री कर सकते हैं या उसका सर्च कर सकते हैं। मीन्स यदि कोई प्लेस है या कोई व्हीकल है वहां पर वो एंट्री कर सकते हैं, यदि कोई पर्सन है या कोई वेसल्स है तो वहां पर वो सर्च कर सकते हैं। मीन्स एंट्री के लिए दो प्लेस है, दो जगह दो पॉइंट है, वन इज द प्लेस है, सेकेंड इज द व्हीकल, और सर्च के लिए चारों पॉइंट पे कि वो चारों में से जहां भी उनकी एज पर रिक्वायरमेंट है वो सर्च करेंगे। जब वो एंटर करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो किसी रीजनेबल टाइम में और टाइम में एंटर ना करें और टाइम में सर्च प्रोसीजर ना करें, ये किसी रीजनेबल टाइम में करेंगे। वो चाहे तो अकेला खुद जाकर के एंट्री कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, यदि उनको आवश्यकता महसूस हुई तो किसी की असिस्टेंस भी ले सकते हैं, वो असिस्टेंस पुलिस डिपार्टमेंट की भी हो सकती है या उनके उन्हें जिसका असिस्टेंस चाहिए उस पर्सन का वो असिस्टेंस लेकर के वो एंट्री और सर्च प्रोसीजर को कैरी आउट कर सकते हैं। यदि सपोज करें कोई व्हीकल है, वो व्हीकल किसी रोड पे कहीं एक जगह दूसरे जगह ट्रक को ट्रांसपोर्ट कर रही है तो इनको पावर है कि उस व्हीकल को स्टॉप कर सकते हैं और स्टॉप करके उस व्हीकल की भी वो सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हो गया कि इसमें यदि कहीं पे कोई कंट्रावेन हो रहा है कि यहाँ पे कहीं पे भी जो गवर्नमेंट जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स हैं या जो गवर्नमेंट जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रेगुलेशंस हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो इस पर्सन के अगेंस्ट एक जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। यदि सपोज करें कि इस प्रोसेस के दरमियान एंट्री और सर्च के दरमियान किसी ने कोई विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन किया, जानबूझ के उन्हें रोक रहे हैं इस काम को करने से, तो उस विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन को वो रिमूव कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है, वो किसी भी पुलिस में को कॉल कर सकते हैं या कोई भी असिस्टेंस के द्वारा वो इस विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर सकते हैं। और जिस समय यह प्रोसीजर वो कैरी कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो या सर्च कर रहे हो, जब ये कैरी आउट कर रहे होंगे इस काम को, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए जितनी जल्द से जल्द हो सके, जितनी फास्ट, जितनी स्पीड के साथ हो सके वो अपना ये काम पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद यदि वो चाहें तो किसी भी मटेरियल का स्टॉक को, किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी रजिस्टर को, किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी मटेरियल को वो सीज कर सकते हैं। और सीज करके सीज किस पर्पज के लिए करेंगे, तो चेक द डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन कि वहां पे रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो सीज ये करेंगे तो उसको विद इन 20 डेज पर्सन को रिटर्न करना होगा। विद इन 20 डेज उन्हें अपनी सारी प्रोसीजर फॉलो कर लेनी होगी, सारी प्रोसीजर कंप्लीट कर लेनी पड़ेगी और आफ्टर 20 डेज वो जो भी रिकॉर्ड रजिस्टर या डॉक्यूमेंट्स होगा वो डॉक्यूमेंट्स वो उन पर्सन को वापस कर देंगे। तो इसमें जान लिया कि ड्रग इंस्पेक्टर को कहीं एंट्री करनी है, कहीं सर्च करनी है, तो उसके लिए वो किस प्रोसीजर
को फॉलो करेंगे। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है दैट इज द सीजर ऑफ स्टॉक, जो हमने यहाँ पे स्टडी किया कि जो ड्रग इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, कहीं एंटर किया उन्होंने किसी रिजनेबल टाइम में, तो वहां उन्होंने रिकॉर्ड रजिस्टर रिकॉर्ड है, रजिस्टर है, डॉक्यूमेंट्स है, मटेरियल्स है या ड्रग्स है, कोई भी कंसाइनिंग है, उसको उन्होंने सीज किया, तो उसको सीज करने की क्या प्रोसीजर है। तो थर्ड पॉइंट इज द सीजर ऑफ स्टॉक। जो ड्रग इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर को पावर है कि किसी भी स्टॉक को, किसी भी रजिस्टर को, किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी मटेरियल को सीज करेंगे, और सीज करने के बाद इमीडिएटली जैसे उन्होंने सीज किया वो इमीडिएटली वहां के जो सिटी मजिस्ट्रेट होंगे उन सिटी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे कि उन्होंने इस मटेरियल को इस प्लस से या इस पर्सन से या इस प्लेस से या इस व्हीकल से सीज किया हुआ है। और सीजर करने के बाद नॉट मोर देन ट्वेंटी डेज के अंदर ही अंदर उन्हें ये सारा उसकी चेकिंग कर लेनी है, और 20 डेज के बाद उन्हें वो एक्चुअल 20 डेज के अंदर ही सारे मटेरियल में पर्सन को रिटर्न करनी पड़ेगी। यदि वो चाहे तो इसका किसी भी चीज का वो कॉपी बना सकते हैं, किसी भी चीज का एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं फॉर द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। यदि उन्हें आगे कोर्ट में कुछ प्रोसीजर करना है, कोई लेजिस्लेटिव एक्शन लेनी है, तो उस लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए कोर्ट के अंदर प्रोसीजर के लिए यदि कोई वो प्रूफ रखना चाहे तो इन स्टॉक्स रजिस्टर का डॉक्यूमेंट्स का वो कॉपीज अपने पास रख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज जान लिया कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स को क्या प्रोसीजर्स फॉलो करनी पड़ती हैं टू डिलीवर देयर ड्यूटीज। तो इस तरह से हमारा ये ड्रग इंस्पेक्टर जो टॉपिक है वो टॉपिक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का कोई और टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।